يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم आदरणीय स्वामी जी और स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए इज़ाम और प्रिय सज्जनों और अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, ये आज का जो दिन है ये वो दिन है जिस दिन में हम सब के आका ताजदार बथा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश पूरी इंसानियत के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए एक रहमत, एक कृपा, एक दया थी, क्योंकि आपको संसार के अंदर पूरी इंसानियत के लिए एज अ मर्सी, बतौर रहमत के दुनिया में मबरूस किया गया। चुनांचे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात इरशाद फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे संसारों के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत, दया, कृपा, मर्सी बनाकर भेजा। बहरहाल मैं तो बहुत थोड़े वक्त के लिए हूँ, बाकी जो हमारे मेहमान हैं असलन हम उन्हें सुनेंगे, बस मैं मुख्तसर सी बात कि संपूर्ण इंसानियत के लिए हमारे आका रहमत कैसे हुए। और याद रखा जाए, धरती पर शांति, अम, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, आपस में भाईचारा, आपस में भाईचारा और ब्रदरहुड और इक्वालिटी का जो संदेश, जो पैगाम आपने दिया है, पूरी हिस्ट्री उसकी शाहिद। जाहिर सी बात है, बहुत थोड़े से अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हर पहलू पर रोशनी और प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। मैं बस एक दो चीजें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में उन चीजों के खराब हो जाने की वजह से, बिगड़ जाने की वजह से हमारे मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा है वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि वो हमारी एक्टिविटीज और हमारे अमाल और हमारे किरदार को देखकर, मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, गोया कि हमने जो है एक गलत मैसेज दिया।
उसमें हमारे आका दीन इस्लाम की आमद से पहले आप इतिहास का और हिस्ट्री का अध्ययन करें, स्टडी करें, मुताला करें, तो ये मालूम होगा कि जुल्म, सितम, बर्बरियत, सफाकियत, मानवता का कत्ल और आपस में इम्तियाजात, भेदभाव, औरतों का मकाम और मर्तबा कैसा गिरा हुआ था, उसका तसव्वुर हम इस जमाने में नहीं कर सकते। सिर्फ मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जो उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उनके यहां जब किसी लीडर और किसी प्रिंस, शहजादे और किसी बड़े आदमी के यहां कोई पार्टी होती थी, तो उस पार्टी के अंदर वो जो लोग होते थे, जो मेहमान आते थे, वो सारे के सारे मेहमान आ जाते थे, दस्तरखान लगा दिया जाता था, उस पर डिशेज और पकवान रख दिए जाते थे, उस मेहमान के गेस्ट आके दस्तरखान पे, टेबल पे, या जो भी उस वक्त का स्टाइल हो उस पर बैठ जाते थे। दूसरी तरफ एक नीच जात इंसान को, एक गुलाम को, एक दबे कुचले पसमानदा इंसान को लाया जाता था, उसके हाथ पैर बांधे जाते थे, उसको पिलर में बांधा जाता था और उसके ऊपर तेल छिड़का जाता था, और उसके बाद उस नीच और गुलाम के, अब जो इंसान था, उसके आग लगाई जाती थी, और जब वो एक तरफ आग में जलता था, सिसकता था, कराहता था, चिल्लाता था, दम तोड़ता था, उस वक्त उस लीडर के, उस प्रिंस के, उस मालदार के, उस पैसे वाले के, उस सत्ते वाले के जो गेस्ट होते थे, वो उसकी रोशनी में खाना खाते थे। क्या आज हिंदुस्तान का कोई नागरिक और हिंदुस्तान का कोई वासी, उसके सामने अगर कोई चौपाया, कोई एनिमल और कोई पशु आपके अंदर जल रहा हो, तो हम समझते हैं चाहे वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो हिंदू धर्म से, चाहे वो मुसलमान इस्लाम धर्म से, चाहे वो जैनी धर्म से, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म से, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसके उसके उस मनुष्य के अंदर और उस इंसान के अंदर हृदय है और उस हृदय में दया है, तो उस पशु को जलते हुए शायद कि वो इंसान खाना नहीं खा सके। उसकी फिक्र होगी कि इस पशु को बचाया जाए, उसकी फिक्र होगी इस पशु के ऊपर जो जो तकलीफ है और जिस तकलीफ से ये कराह रहा है, इस तकलीफ से इसे बचाया जाए, ये उस इंसान की पहली कोशिश होगी, अपना खाना छोड़ के, अपना अपनी सारी जरूरतों को छोड़ के। लेकिन मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्रिय सज्जनों, ये इस्लाम के आने से पहले की रियल हिस्ट्री है, जिसको लिखने वाले अंग्रेज राइटर्स कि वो जब वो जलता था, कराहता था, चिल्लाता था, उसकी स्मेल चर्बी की और जलने की आती थी, तो इधर तहकहे लगते थे और लोग खाना खाते। इंसानियत इस कगार पर पहुंची थी। इस्लाम आया, अंतिम संदेश का ताजदार बता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूरी दुनिया के इंसानों को एड्रेस करके, उन्हें मुखातब करके, आपने लोगों को यह संदेश खुदा का सुनाया और फरमाया, ईश्वर का, गॉड का, लॉर्ड का, खुदा का, मालिक का, पैदा करने वाले का ये कथन है, या अय्युहन्नास,
है धरती पर बसने वाले इंसानों, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई तफरीक नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई इम्तियाज नहीं। किसी नस्ल का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रंग का हो, किसी ब्रादरी का हो, किसी कम्युनिटी का हो, कैसा भी इंसान हो, कुरान उससे कहता है या अय्युहन नास, ऐ धरती पर बसने वाले इंसानों, ये ईश्वर का कथन है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफु इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनिए, ए धरती पर बसने वाले इंसानों, हमने तुम्हें नर नारी से जन्म दिया, इससे ज्यादा इक्वालिटी का और मुसावात का दर्श और लेसन इससे ज्यादा मौसिर और इफेक्टिव और इंप्रेसिव स्टाइल में नहीं बताया जा सकता। गोया कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हो, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हो, सिख कम्युनिटी के लोग हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हो, जैनी कम्युनिटी के लोग हो, सारे के सारे एक माता पिता की संतान, जो नफरत के बीज बोए, जो नफरत की आग लगाए, जो जुल्म और सितम को बढ़ावा दे, गोया कि उसको इंसानियत से निकाल देना चाहिए। हम एक माता पिता की संतान है, ठीक है, हमारे इबादत करने का वे अलग है, आपके इबादत करने का वे अलग है, और किसी और के इबादत का स्टाइल अलग है, लेकिन हम सब के सब एक माता पिता के संतान हैं। इसका ख्याल हर इंसान के दिल में, हर बच्चे के दिल में, हर नर नारी के दिल में, हृदय में होना चाहिए। आगे फरमाया था कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफु, ये लोगों तुमको बिरादरियों में, कबीलों में, गिरोहों में और मुख्तलिफ कम्युनिटीज में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसलिए तकसीम किया गया ताकि तुम अपने खानदान के दूसरे आदमी को पहचानो, पहचानो। आगे फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा ऑनरेबल, सबसे ज्यादा मुअज्जज, सबसे ज्यादा आदरणीय वो मनुष्य है जिस मनुष्य के हृदय में उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस परमेश्वर का, उस मालिक का डर और खौफ। ये बता दिया मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, और हमारे आका ने फिर और बहुत सारी बातें हैं। मुझे एक टॉपिक दिया गया था, बहरहाल मैं उस पर भी पहुंचने की कोशिश करूंगा और आधा घंटे का वक्त है। उसमें आपने एक बार फिर एक एड्रेस करके लोगों को फरमाया कि ये लोगों, ईश्वर का कथन है, मालिक का फरमान है, इन्नी हर्रमतु दुल्मा या इबादी, इन्नी हर्रमतु दुल्मा अलैकुम, ये मेरे बंधुओं, मैंने अत्याचार को, मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर अपने तमाम बंदों पर हराम करार दिया है। आगे फरमाया फला तज़ालमू, एक दूसरे पर अत्याचार न करना, एक दूसरे पर जुल्म न करना, एक दूसरे माहौल के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर, वातावरण के अंदर आप अशांति को, क्रूरता को, व्याकुलता को और अत्याचार को, इन सारी चीजों को हवा मत देना। अगर कोई ऐसा करता है तो कुरान कहता है, सुना दीजिए, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, कि अल्लाह अत्याचारियों को, जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक अलग विषय है, इस विषय पे हो सकता है हमारे दूसरे जो उलमा है वो गुफ्तगू करेंगे। मुझे एक विषय ये दिया गया था, एक टॉपिक,
कि मुसलमान समाज जो है वो शादी के ताल्लुक से और विवाह के ताल्लुक से, मैरिज के ताल्लुक से बहुत बहुत ज्यादा उस तरीके से दूर हो गया है जो हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका दिया। वो तरीका क्या था, याद रखिए, धरती पर जब शादी को आसान बनाया जाए, मैरिज को इजी बनाया जाए, शादी करने को आसान बनाया, उसके एक्सपेंडिचर, उसकी डिमांड्स और उसके अंदर जो मुतालबात हैं, उसके अंदर जो अखराजात हैं, उन्हें कम किया जाएगा तो धरती पर से जिना खत्म होगा, प्रोस्टिट्यूशन खत्म होगा। और अगर शादी को मुश्किल किया जाएगा, उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ा दिए जाएंगे, शादी को ऐसा बर्डन और ऐसा बोझ बना दिया जाएगा, मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, तो फिर जिना आसान हो जाएगा और शादी मुश्किल हो जाएगी। इस विषय पर बात करने के लिए कहा गया था, एक लंबा विषय है लेकिन मैं उसको ब्रीफली चंद बातें आपके सामने रखता हूं। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले हम आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, आपके फॉलोवर, आपके मानने वाले, आपकी इत्तिबा करने वाले, आपके तरीके पर चलने वाले, ये जलसा भी जलसा सीरतुन नबी, इसका मतलब ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आए, रस्मी तौर पे जलसा कर लिया जाए, झंडे गाड़ दिए जाए, जुलूस निकाल दिया जाए और हंगामा कर दिया जाए और सारी चीजें की जाए, लेकिन हमारी जिंदगी सुन्नत से हट जाए, नबी के तरीके से हट जाए, नबी के कल्चर से हट जाए, नबी की सिविलाइजेशन से हट जाए, नबी के स्टाइल से हट जाए। मेरे अजीज और बुजुर्गों दोस्तों, ये जलसे सीरतुन नबी का मकसद नहीं, मकसद ये है कि यहाँ जो बताया जाएगा धरती पर शांति को फैलाने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए, एक अच्छा पाकीजा माशरा और समाज क्रिएट करने के लिए, एक शुद्ध वातावरण पैदा करने के लिए, प्रेम की मोहब्बत की जो आका ने तालीमात दी है, उन तालीमात को हम अपने सर और आंखों पे रखेंगे, इसलिए ये जलसा है। आपने इरशाद फरमाया था कि औरत, मेरा ये भी एक लंबा मौजू है, औरत को इस्लाम से पहले क्या मकाम था, हिस्ट्री पर कैसे उस पर जुल्म होते, कैसे औरतों के विलादत पर, बच्चियों की पैदाइश पर कैसे लोगों का मुंह जो है वो सिकुड़ जाता, मुंह धुआं हो जाता, मुंह जो है वो खुशियों, आदमी को तमन्नाएं होती है कि बच्चा होगा बच्चा होगा, अगर बच्ची पैदा होती है तो आदमी का मुंह धुआं धुआं हो जाता और उसके अंदर उसका दम घुटने लगता है। मैंने ऐसे किस्से अपनी निगाहों के सामने देखे और आपने भी देखे होंगे, तरस आता। मैंने अस्पताल में देखा कि एक खातून थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि किस कम्युनिटी से थी, बहरहाल वो खातून थी, हमारे समाज की एक खातून, वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक, अस्पताल के अंदर उस खातून को डिलीवरी हुई और बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई, उसके हस्बैंड ने उसी वक्त औरत के तमाचे मारे, सबके सामने उसे जलील किया और उसके बाद वो और उस लड़के की माँ और जो लोग थे सब चले गए, वो औरत अपने आंसू पोंछती रही और सिसक सिसक कर रोती रही। क्या कसूर था उस बहन का, क्या गुनाह किया था उस खातून ने जिसके जुर्म की वजह से उसको, उसके शौहर ने उसे मारा, उसे टॉर्चर किया,
और वो बाद में भटकती रही। आखिर में उसके घर वालों ने शौहर के उसे धक्के दे के भगा दिया, निकाल दिया और उसके बाद उसे तलाक दे दी और उसे छोड़ दिया। मेरे अजीजो बुजुर्गो दोस्तों, उस औरत की क्या खता था, किस जुर्म की वजह से उसके साथ ये मिसबिहेव किया गया। ये कम्युनिटी में जो एक इमेज बना हुआ, कुरान ने इसको कहा, बयान किया, आज भी वो इमेज हिंदू कम्युनिटी में भी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी। फरमाया था वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था दल्ला वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम। ये कुरान ने 1450 साल पहले ये बात कही थी, और उस वक्त औरत को बाप की जागीर और बाप के साजो सामान की हैसियत से समझा जाता है। यहां तक कि लिखा है कि बाप के मर जाने के बाद उनके औलाद उस औरत को, उस माता को मीरास में तकसीम कर लेते थे, और यहां तक किताबों में लिखा है कि उसके साथ विवाह भी कर लेते थे। कुरान ने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मकाम को बुलंद करके ये बात इरशाद फरमाई। कुरान ने कहा वआशिरूहुन्न बिल मारूफ, ए लोगों तुम इन औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बिहेव करो, इनका ख्याल रखो, इनकी तमाम चीजों का ख्याल रखो। ये और इसके बैकग्राउंड पे एक मर्द को ये सोचना चाहिए कि वो एक औरत, एक खातून है जिसने अपनी माँ छोड़ी, अपने बाप छोड़े, अपने भाई छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपना वतन छोड़ा। आज हम लोग जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जब वहां से आने लगते हैं तो आंखों में आंसू छलक जाते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन की याद आती है, और आदमी के दिल में एक जो कैफियत और इमोशंस होते हैं वो डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, वो हमारी बहन अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आपके घर में अपनी पूरी जिंदगी आपको दी है। क्या हमारे ऊपर हमें शर्म नहीं आती है कि हम उस खातून पर हाथ उठाएं? हमें शर्म नहीं आती है कि हम उस खातून से डिमांड करें? हमें शर्म नहीं आती है कि हम उस खातून के साथ मिसबिहेव करें? जहेज के नाम पे, तिलक के नाम पे और न जाने किन किन नामों पे आज अखबारात के अंदर हर दिन ये छपता है, हिसाब फुला जगह फुला कम्युनिटी के लोगों ने औरत को तेल छिड़क के जला दिया। रीजन ये था कि वो उसे टॉर्चर करते थे कि तुम्हारे बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दी है, मुझे गाड़ी चाहिए। कितनी माएं बहने हैं और कितनी बहू बेटियां हैं जो टॉर्चर कर करके वो खुद को सुसाइड करती हैं, कितनी जला दी जाती हैं, कितनी के साथ अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, सिसकती रहती हैं, कराहती रहती हैं और जिंदगी पार करती रहती हैं और इन शौहरों की, इन मर्दों की खिदमत करती रहती हैं। कुरान ने कहा था इन एहसानात को याद करते रहना, वआशिरूहुन्न बिल मारूफ, और उन औरतों के साथ अच्छा सुलूक कर। और ये भी बात इरशाद फरमाई गई थी कि अच्छा सुलूक करना, आपने फरमाया था कि लोग बाहर जाके ऑफिस में अच्छे अखलाक दिखाते हैं और अच्छा कंडक्ट, गुड कंडक्ट, गुड बिहेव, अच्छा सुलूक, साफ जी सर, जी सर, अलेक सलेक, प्यार मोहब्बत, गले लगाना, प्यार करना, प्रेम करना, और जब अपने घर के अंदर आते हैं तो जालिम बनकर आते, वो फौरन जुमले, फौरन बातें, फौरन डांट डपट। कुरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीबी के साथ सबसे अच्छा सुलूक करता है, और आपने फरमाया वा अना खैरुकुम लिअहली,
और मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे अच्छा सुलूक करने वाला। आपकी पूरी जिंदगी मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान के अंदर इसी औरत को जब माँ के रूप में वो फरमाया गया, अल जन्नतु तहता अक्दामिल उम्महात, ए लोगों अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर तुम्हें पैराडाइज चाहिए, तो फिर अपनी माँ के पैरों पे आके पड़ जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें खुदा जन्नत नसीब कर। बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो एक दिन उनकी माता जी बूढ़ी लेटी हुई थी, पहुंचे और उनके पैरों को चूमने लगे। उनकी माँ ने कहा, बेटे तुम तो इतने बड़े स्कॉलर हो और तुम इतने बड़े इमाम हो, तुम्हारी हैसियत ये है। फरमाया, माँ मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मैं जो चूम रहा हूँ वो अपनी जन्नत और अपनी स्वर्ग चूम रहा। मेरे अजीजों बुजुर्गो दोस्तों, बहरहाल आज ये सारे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं और शादियों को मुश्किल बना दिया गया, इसके लिए दी हमारे, बहरहाल मेरा वक्त हो गया है, मुझे पीछे से कह दिया गया है कि बस आप अपनी बात समाप्त कीजिए। बस मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसका तर्जुमा करके बताना चाहता हूँ और मुसलमानों को दो चार चीजें बताना चाहता हूँ चार जुमलों के अंदर। अगर हमने ये बात इख्तियार की तो हमने संपूर्ण इंसानियत की माँ पर और खवातीन पर और महिलाओं पर गोया कि हमने उनके हुकूक की पासबानी की और अपने आका के संदेश को आगे बढ़ाया। और अगर हमने भी डिमांड किया, हमने भी मांग की और हमें भी साहब जहेज चाहिए, हमें भी साहब दुनिया की रंगीनियां चाहिए, तो याद रखिए फिर खुशियां भूल जाए। फरमाया गया था, तुन का हुल्मर अतुली अर्बाइन, औरत से शादी की जाती है चार चीजों की वजह से। सुनिए ध्यान से, आपका कथन है ये, अंतिम संदेश का ये फरमान है, चार चीजों की वजह से औरत से शादी की जाती है। फरमाया, ली मालिहा, एक आदमी है जो माल देख के शादी करता है। वली जमालिहा, एक आदमी स्मार्टनेस देख के, खूबसूरती देख के शादी करता है। आगे फरमाया, वली हसदिहा, और एक आदमी खानदान देख के शादी करता है। आगे फरमाया, वली दीनिहा, और एक आदमी दीन देख के शादी करता है। अच्छी तरबियत, दीनी तरबियत, माल की दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाली गई हो। आगे फरमाया, फस्फिर बिजाति दीन, एक मुसलमान को माल की बुनियाद पर शादी नहीं करनी चाहिए। एक मुसलमान को साफ स्मार्टनेस की बुनियाद पर शादी नहीं करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, हम शादी कर रहे हैं माल की बुनियाद पर, जिसकी वजह से हमें मोहब्बत माल से है, फैमिली से नहीं। हमने शादी की है माल की वजह से, लिहाजा हमें ताल्लुक माल से, हमारा ताल्लुक, हमारी मोहब्बत माल से, जो कुछ वहां से मिला है उससे है। और आगे फरमाया था, जो आदमी दीनदारी देख के, मोरालिटी देख के, कंडक्ट देख के, सुलूक देख के, अच्छी न्यूरिशमेंट देख के, अच्छी तरबियत देख के जो आदमी शादी करेगा वो हमेशा खुश रहे। इसलिए बहरहाल मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ मैं दो तीन बातें अपने मुसलमान भाइयों से इस जलसे सीरतुन नबी के ताल्लुक से, और भी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है, फिर कभी वक्त होगा, आना होगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। पहली चीज, मुसलमानों को शादियों की महफिलें मस्जिद के अंदर मुनाकिद करना चाहिए। जब मस्जिद में शादी की महफिल रचाई जाए तो फिर ऐसी सूरत में बहुत सारी खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी नाफरमानियों से, बहुत सारे खर्चों से एक्सपेंडिचर से भी जो है वो आदमी बच जाए। और पहली बुनियाद, और इसका हमें मुसलमानों को हुक्म है, आका का हुक्म है, कोई मौलवी साहब की बात नहीं है। फरमाया था, अलिनु बिन निकाह,
अपने निकाह का ऐलान किया करो। वजअलूहु फिल मसाजिद, और उस निकाह की महफिल को मस्जिद में मुनाकिद किया करो। आज जिसको खुदा ने कुछ पैसे दे दिए, खुदा ने कुछ ओहदा दे दिया, दो चार गाड़ियां हो गई, तो वो अपने आप में इंसल्ट महसूस करता है कि वो मस्जिद में निकाह पढ़वाए। वो साहब बड़े से बड़ा मैरिज हॉल और उसमें डेकोरेशन पे लाखों रुपये खर्च करता है। क्या अगर मानवता और इंसानियत है तो ये पैसे जो डेकोरेशन पे और मैरिज हॉल के बुकिंग पे खर्च किए जा रहे हैं, हमारे समाज की, हमारे माशरे की जो गरीब बच्चियां हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, क्या इन पैसों से उसकी शादी नहीं की जा सकती? इन पैसों से उसकी शादी की जाती और अपनी शादी मस्जिद में की जाती, इसका हमें हुक्म। और फरमाया दूसरी बात, जो मस्जिद में लोग आएंगे, इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है वो लड़की पे, लड़की पे, आज लड़की पैदा होने पे जो मैंने बताया कि आदमी का मुंह धुआं हो रहा है, आदमी अंदर से घुट रहा है, अंदर से दगा जा रहा है और जाके अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, रीजन ये है कि उस बच्ची को वो बर्डन महसूस कर रहा है, बर्डन महसूस कर रहा है। उस बर्डन को रिमूव करना ये हर भारत के नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि उसके अंतिम संदेष्टा ने अपने निकाह करके दिखाए कैसे निकाह किए हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो दूसरी चीज, लड़की के ऊपर इस्लाम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रुपये का खर्चा नहीं है। क्या आज हम मुसलमानों को इस बात का तस्वूर है? आदमी कंपटीशन करता है, दिखाता है कि उन्होंने ये किया था तो हम ये करेंगे, उन्होंने ये किया था तो हम ये करेंगे। अगर अपने माल का दिखावा करना है, नुमाइश करना है, अपने माल की साथ जो है वो अपने आप में वो दिखाना है, तो उसके लिए दूसरे मैदान, मानवता की सेवा करने के, इंसानियत की खिदमत करने के, भूखे लोगों को खाना खिलाने के, यतीमों को कपड़ा पहनाने के, और जो है वो अनाथों की खिदमत करने के, और जो भी इस तरह के पुअर और नीडी पर्सन हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये मैदान। फरमाया कि लड़की वाले आ जाएं इजाजत लेके, लड़के वाले आ जाएं, कहाँ आए, मस्जिद के अंदर आ जाएं, इमाम साहब खुतबा देंगे, निकाह पढ़ाएंगे, चुहारा भी जो होगा वो लड़के वाला लेके आएगा, चुहारे होंगे, और उसके बाद निकाह पढ़ाने के बाद बांट दिए जाएं या बिखेर दिए जाएं, ये शादी हो गई शादी। अब लड़का वाला चाहे अपनी लड़की को ले जाके शोहर के घर छोड़ आए, या शोहर के दो लोग जाके उसे ले आए, बारात का कोई कंसेप्ट शरीयत के अंदर नहीं, ना कोई वर्ड बारात का कुरान और हदीस में और सहाबा की जिंदगियों में मिलेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में चलते हुए शादी की है, सफर में जा रहे हैं, सफर में आदमी के पास क्या होता, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती हैं वो होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। मेरे अजीजों, आपने सफर में शादी किस लिए की है? ये पूरी मानवता को बताने के लिए कि शादी एक ऐसा इशू है कि वो चलते फिरते हो सकता है। साहब आज हमारे यहाँ कार्ड छप रहे हैं और उसमें कंपटीशन किया जा रहा है। आप याद रखिए कि जब शादियां की जाती हैं, जहेज की नुमाइश की जाती है, गाड़ियां दी जाती हैं और न जाने क्या क्या किया जाता है, जो गरीब बच्चियां होती हैं, जो गरीब समाज के अंदर लोग होते हैं, जब उनकी बच्चियां देखती हैं कि ये सारी चीजें शादियों के लिए जरूरी है, वो सिसकती हैं और उनके आंसू छलकते हैं, वो अपने आंसू अपनी आंखों से झलकने से पहले ही उसमें छुपाने की कोशिश करती हैं। मेरे अजीज और बुजुर्गों, दोस्तों, जो शादी गरीब के आंसू बहाए
जो शादी समाज की गरीब महिलाओं के दिलों को छलनी करे, ईश्वर की तरफ से उस शादी में बरकत होगी या ईश्वर की तरफ से उस शादी में गजब और बेबरकती और असमंजस की चीजें डाली जाएंगी, इसका फैसला खुद आप कर सकते हैं। इसलिए बहरहाल ये एक लंबा कुआन है और पूरे मुल्क के अंदर ये हम सब को मिलके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये अत्याचार सिंफे नाजुक पर और महिलाओं पर हो रहा है, आए दिन खबरें आ रही हैं कि जलाई जा रही है और जुल्म किया जा रहा है, भगाई जा रही है, डाइवोर्स हो रहा है, तलाकें दी जा रही हैं, उनके साथ बदसुलूकियां की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, मिसकंडक्ट किया जा रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारत का एक एक नागरिक और इस जलसे सीरतुल नबी के हवाले से मैं मुसलमानों से ये बात कहता हूँ कि आप अपनी निकाह और अपनी शादियों की महफिल मस्जिद में मुनाकिद करें, अपने नबी के फरमान की लाज रखें और जहेज के जैसे गंदे और घिनौने और माशरे के अंदर ये जो घुन लगा हुआ है इसे खत्म होना चाहिए, इसके लिए पहल हमें करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ बच्चियों की शादियों में ये एक्सपेंडिचर्स ना खर्च करके बच्ची का विरासत में बाप की माँ की जायदाद में उसका हक है, वो हक देना चाहिए। बहरहाल बस मैं यही कि हमें सादगी के साथ शादी करना है और दीन को प्रीफर करना है और अपने आका की एक एक बात का ख्याल रखना है और इस बात का प्रयास करना है और संघर्ष करना है कि हमें धरती से जुल्म को खत्म करना है, धरती से अत्याचार को खत्म करना है, धरती से तमाम किस्म की बुराइयों को समाप्त करना है, चाहे वो जुल्म किसी पर भी हो, चाहे वो जुल्म जो है वो किसी कम्युनिटी पर हो, हमें उसके खत्म करने के लिए आगे बढ़ना है, मिलकर संघर्ष करना है और जो भी इस तरह की समाज में बुराइयां हैं उन्हें खत्म करना है। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हजरात को इसकी तौफीक अता फरमाए और हमारे पूरे मुल्क में एक शांति भरा और एक अमन और चैन और मोहब्बत और प्रेम और सद्भावना भरा वातावरण पैदा फरमाए। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।